हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास. हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस एंड नाउ नेक्स्ट 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 चैप्टर वी आर स्टार्ट हेल्दी हेल्दी हैबिट. टुडेज टॉपिक इज हेल्दी हैबिट्स, यानी कि स्वस्थ आदतें. ठीक है, वार्म अप. हेल्थ इज वेल्थ इज अ कॉमन प्रूवर्ब. यह एक सामान्य कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है. ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी वी हैव टू डेवलप सर्टेन गुड हैबिट्स. यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें कुछ अच्छी आदतों को शुरू करना होगा. गुड हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस. अच्छा स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें हम अच्छे और बीमारियों को दूर रहते हैं. ठीक है, जिसमें हम सही रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं. इफ वी वॉन्ट टू कीप आवर सेल्स हेल्दी, यदि हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. देयर आर सर्टेन गुड हैबिट्स दैट हेल्प अस कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज. ये कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती हैं. देयर आर, यहाँ पे कुछ गुड हैबिट्स दी हुई है, हेल्दी हैबिट्स दी हुई है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे देखिए फैक्ट नो, मतलब जिसे हमें जानना चाहिए, जो कि ये सही बात है. अ हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी फूड. एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ दिमाग रहता है. ओके, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट. वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे. वाइल बाथिंग वी शुड क्लीन आवर बॉडी विद सोप. हमें हर दिन नहाना चाहिए. नहाते समय हमें अपने शरीर को साबुन से साफ करना चाहिए. ओके, मतलब कि हमें रोज अच्छी तरीके से नहाना चाहिए, साबुन से अपने शरीर को पूरा वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए. ठीक है, ओके. फिर है वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली. हमें अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करना चाहिए. वी शुड ईट मील्स देयर थ्री टाइम्स इन अ डे. वी शुड ईट मील्स, मतलब हमें खाना खाना चाहिए थ्री टाइम्स, मतलब तीन समय में, एक दिन में कम से कम तीन समय में हमें भोजन करना चाहिए. द फूड वी ईट शुड बी फ्रेश हेल्दी एंड वेल कुक्ड. जो भोजन हम खाते हैं वह ताजा और स्वास्थ्यवर्धक तथा अच्छी तरह से पका हुआ हो. वी शुड इंक्लूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मिल्क इन आवर डेली डाइट. हमें रोज के खाने में सब्जियों को, फलों और दूध को लेना चाहिए. वी मस्ट वॉश आवर हैंड वेल विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए. मतलब जब भी हम खाना खाएं तो हमें अपने हाथों को पहले, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से धुलना चाहिए. ओके, देयर इज डर्ट एंड जर्म ऑन आवर हैंड. हमारे हाथों में धूल और कीटाणु होते हैं. इफ वी डू नॉट वॉश देम प्रॉपरली, यदि हम उसको सही तरीके से नहीं धुलेंगे तो द जर्म विल गेट मिक्सड विद आवर फूड. जो कीटाणु होते हैं हमारे भोजन में मिल जाएंगे एंड वुड मेक अस इल, और वो हमें बीमार कर देंगे. ओके, फूड वी ईट मस्ट बी कुक्ड वेल टू किल ऑल द जर्म प्रेजेंट इन इट. जो खाना खाते हैं उसे अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए, जिससे उसमें जो मौजूद कीटाणु है ना वो मर जाते हैं. ठीक है, भोजन को अच्छे से पकाया जाएगा तो उसमें जो भी कीटाणु या जर्म होंगे वो अपने आप ही वो डिस्ट्रॉय जाएंगे, मतलब खराब हट जाएंगे. ठीक है, मर जाएंगे. फूड मस्ट बी कुक्ड इन अ क्लीन किचन एंड इन क्लीन यूटेंसिल्स. जो भोजन है, भोजन को साफ रसोई में, मतलब जो किचन होता है ना वो साफ होना चाहिए, साफ रसोई में और साफ बर्तनों में पकाना जाना चाहिए. ठीक है, मतलब ये कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिसे हमें प्रॉपर तरीके से इसका पालन करना चाहिए.
और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।